कि ये जो काम करना पड़ रहा है इसमें कितना जोखिम भरा काम है। ये जान को ये बहुत खतरा है, हम नहीं चाहते कि ये अपना काम नहीं करते हैं। अच्छा काम मिल जाता तो ये वाला काम छोड़ देते हैं, हम मजबूरी के कारण ये काम करना पड़ रहा है। आप लोग खुद ही काम करते हैं या फिर आपका आपके पति और आपके घर वाले भी इस काम में? नहीं, मेरा पति नहीं है, मेरा गुजर गया। और आपके आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सोचते हैं कि पढ़ा लिखा के कुछ कर पाएंगे। आप कितने समय से इस इलाके में रह रही हैं? 3 साल से कर रही हूँ ये काम। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे उसमें सिलाई का काम सिखाते हैं, अगरबत्ती बनाने का काम सिखाते हैं, इस तरह का अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो आप लोग उस तरह का ट्रेनिंग लेना चाहेंगे जिससे कि फिर रोजगार का साधन बन सके? क्यों नहीं लेना चाहेंगे, करेंगे अगर कोई ऐसा काम मिल जाए बढ़िया। सो कोल कंस्टिट्यूट्स ए मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन एनर्जी सिस्टम एंड ऑल्सो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम, एंड इट इज़ नॉट ओनली द कोल प्रोडक्शन, कोल ट्रांसपोर्टेशन, कोल बेस्ड जेनरेशन एंड ए होस्ट ऑफ अदर एंटिटीज आर रिलेटेड टू एंड डिपेंडेंट अपॉन कोल एंड कोल बेस्ड जेनरेशन। इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू रिड्यूस इट्स carbon footprint. Very specifically, one of the goals that has been announced by Honorable Prime Minister is that we have to achieve net zero by 2070. The softer aspect is as important as the harder aspect of transition. When I say softer aspects of transition, it is because, you know, it affects the whole society, it affects people. Let us look at one single coal mine, which is, let's say, planned to be retired in a few years' time. Now this, you know, if you go to a coal mine area, this economic activity has actually been the life for so many villages around that coal mine. Now you can't stop that life and don't bother or don't take care of everyone who is affected by that closure of the mine. मेरा नाम बबीता कुमारी है, हम कोगड़ी से रहने वाले हैं, मुफसिल थाना ग्रेडी है और हम 8th class पास किए हैं। कभी आगे पढ़ने की ऐसी इच्छा रही आपके? इच्छा थी पर नहीं कर पाए, घर के थोड़ा प्रॉब्लम के वजह से नहीं कर पाए पूरी। मेरा घर में 5 सदस्य हैं हम लोग, और मम्मी पापा, एक भाई हैं, 2 बहन हैं। मेरा भाई कोलकाता में काम करता है, पापा कुछ भी नहीं करते हैं। कोयला खदान में कोयला निकालते थे और बेचा करते थे, तो उसमें ज़्यादा भी कमाई भी नहीं होता था उतना, इसलिए भाई मेरा कोलकाता चला गया। पापा नहीं कमा पाते अब, उसका शरीर उतना नहीं रहा जितना पहले था। पहले कमा लेते थे, पहले मेहनत कर लेते थे, अब नहीं कर पाता इसलिए।
300-400 में घर चलेगा सर, और अभी भी उतना नहीं आमदनी है कि उतना अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। बाहर में कितना 10-12-13 हज़ार मिलता है, उसमें से बच्चे को भी डॉक्टर से दिखाना है, पढ़ाई भी करना है, घर का भी खर्चा करना है, तो अभी भी दिक्कत है ही है हम लोग का। कोयला खनन के इसमें अगर हम ये अगर कहें तो काफ़ी नुकसान है। अगर क्षणिक इनकम तो है उनको कि हाँ निकाला 500 रुपये में अगर वो उन्होंने बेच दिया, लेकिन अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो डर से कोई जो है आपको केस नहीं करता है कि उल्टा हमारे ऊपर में जो है वो केस हो जाएगा। उसके अलावा उसके अंदर जो ज़मीन के 70-80 फीट के अंदर जो जाते हैं तो काफ़ी जहरीली गैसें उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद वो घर ला करके उसका फोड़ा लगाए तो घर पर भी जो परिवार है उनके ऊपर में भी उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो निकलता है तो उनके स्वास्थ्य पर उसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ये करके महिलाओं को हम लोगों ने ये किया कि महिलाएं अगर हमारी जो है शिक्षित होंगी, महिलाएं अगर काम करेंगी और उनका अगर कैपेसिटी बिल्ड किया जाए तो वो पुरुष को समझा लेंगी कि हाँ इस चीज़ में है, अपने बच्चे को है शिक्षा के क्षेत्र में तो बच्चे भी पढ़ेंगे और अगर दो पैसा अगर आमदनी बढ़ेगी तो आदमी ये है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचता है, नहीं तो पहले तो आदमी को लाइवलीहुड के ऊपर में ये जाता है। कोयला खनन क्षेत्र है, इसमें महिलाओं को एम्पावर कर करके उनको जो है अल्टरनेटिव रोज़गार से जुड़ना है। और शुरुआत लेवल में हम लोगों ने 8 गांव का बेसलाइन सर्वे किया और उसके बाद जो है उसमें जो है 240 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, 160 लोगों को उसमें से हम लोगों जो सिलेक्ट किया जो ज़्यादा ये थे उनको जो है फाइनेंशियल लिटरेसी और इसकी ट्रेनिंग दी और उसके बाद उनको उनके ग्रुप्स बना करके हम लोगों ने जो है वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो नाबार्ड के सपोर्ट से हम लोगों ने बनाया और उसको जो है हम ये बैंक में अकाउंट वगैरह उनका ओपन किया, बैंक से उनको लिंक किया। एंड एज वी इनिशिएटेड अ डायलॉग वी सेंस दैट मेनी एडोलेसेंट गर्ल्स दे एस्पायर टू डू समथिंग इन लाइफ बट दे नेवर हैड द राइट स्किल और नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू यू नो टेस्ट सक्सेस इन लाइफ। सर हम लोग को परीक्षण लिए थे वित्तीय साक्षरता के बारे में, उसमें हम लोग को बताएं सर बचत करना है, लेन देन मोबाइल से करना है, बीमा के बारे में बताएं और बिजनेस के बारे में बताएं कैसे हमको करना है। और सब दीदी सब बैठे बोले बतियाएँ और सीखने के बुलाकर बत्ती तो हम लोग बनाने जानते नहीं थे, मोप बनाने जानते, इसके बारे में भी हम लोग को पता नहीं था, इसके बारे में पता चला। 100 रुपये लेके मार्केट जाना है, उसमें कितना सामान लाना है, कितना खाना है, तो उसमें हम लोग बोले जो 80 रुपये के सामान लाना है, 20 रुपये 10 रुपये बचा के चलना है, उनको आगे समय में काम देगा। जो अच्छे रेटों में बेच सके और हमसे अच्छे रेट में खरीद सके उसी इंसान को चुनेंगे जो हमसे अच्छे से बात भी करे और अच्छे से हम लोग का बिक्री भी करवा दे और ना हो सके तो खुद ही खरीद ले। कोई कुछ दिन के बाद जैसे आना नहीं शुरू कर देती है तो रीज़न जाने की आखिर वो तो देखें कि 1 वीक क्लास अच्छा की उसके बाद फिर क्यों नहीं आ रही है, तो इससे पता चला कि नहीं फैमिली वाले लोग मतलब मना कर रहे हैं। तो हम लोग सर उस स्थिति में हम लोग डोर टू डोर जाके उनके पेरेंट्स को समझाएं कि इतने दिन का कोर्स है, क्लास है, सीख जाएगी तो इससे इसका भी आगे का अच्छा हो जाएगा और ये भी आगे अपना अच्छा कुछ कर सकती है। तो ये सब कभी कभी हम लोग के साथ ये फेस करना पड़ा है जिसमें गार्जियन को भी समझाना पड़ा है, कभी कभी स्टूडेंट को भी हम लोग को समझाना पड़ता है।
सबसे अगर मेन अगर बिजनेस फेल्यूर होने का होता है तो मार्केट लीकेजेज होता है। तो हमने पहले से ही मार्केट ओरिएंटेड ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए जो मार्केट, जैसे अगरबत्ती में हमने जो है एक छोटे से एक एक इसके साथ बिजनेस के साथ जयमंगल अगरबत्ती के साथ टाई अप कर दिया, ये रॉ मटेरियल इनको देंगे और एक है तो एक इनका लिंक बना रहे। उसके अलावा महिलाएँ जो है ओपन मार्केट में भी जो है वो अपना सेल कर सकें, लेकिन एक लिंक इनका बना रहे। जैसे अभी हम लोग का काम चल रहा है करहरबारी में, वहाँ से भी हम लोग का प्लानिंग है कि नहीं वहाँ से काम जैसे चलेगा, जितने भी दीदी लोग काम करेंगे उसके बाद हम लोग का टोटल वहाँ जितना प्रोडक्शन होगा टोटल प्रोडक्शन का हम लोग के यहाँ आ जाएगा और उन लोग का जो वाजिब एक रेट होता है वो रेट हम लोग सब सेट किए हुए हैं, सब उनको दिया जाएगा, जिससे कि अच्छा मार्जिन होगा और लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया महीना हर एक दीदी कमाएगी, जैसा कि हम लोग का प्लानिंग है। अगर कोई अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो वो बंद हो सकता है, लेकिन लोग कपड़ा पहनना बंद नहीं करेंगे, घरों में पर्दे लगाना बंद नहीं करेंगे। अगर अगरबत्ती के पैकेट बनाने की है तो छपाई अगर हम करके मंगा लेते हैं, एक ग्रुप जो है हमारा पैकेट तैयार करेगा और दूसरा जो है अगरबत्ती तैयार करेगा कि सहभागी ये बिजनेस हो, और इसी तरीके से कर करके हम लोग जो है उनको पूरा एक वैल्यू चेन के ऊपर में हम काम करने का प्लान किए हुए हैं। एक दूसरे के सहारा के बिना हो भी नहीं सकता, समूह बनाना तो अकेले बनेगा नहीं, जब तक सब दीदी नहीं मिलके बनाएंगे 10 दीदी या 15 दीदी तभी समूह बनेगा, और जब समूह बनेगा तभी कोई काम अच्छा से होगा। बहुत अच्छा लगता है सर, वहाँ जब हम लोग एक दिन सब जमा हो जाते हैं ना एक जगह दीदी सब, तो फिर घर आने का मन नहीं करता है कि घर का काम बाद में हो, पहले हम लोग का डिसाइड हो जाए कि काम कैसे करना है, किस तरह करना है, जो नहीं जानती है उसको सिखाती है और दीदी सब की नहीं ये वाला ऐसे करो। बाहर भी निकल के भी काम कर सकते हैं, सामने भी काम कर सकते हैं, महिला बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा। नाउ दे आर एस्पायरिंग लाइक कि हमें कुछ अपना इंडिविजुअल करना है, लाइक इन सम ऑफ एंटरप्राइजेस कि वो लोग खुद से मार्केट में जा रहे हैं एंड दे आर डेमोस्ट्रेटिंग देयर प्रोडक्ट्स, इट्स क्वालिटी, इट्स स्टोरी बिहाइंड दिस प्रोडक्ट्स, हाउ दिस प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। ये अभी ग्रुप के तौर पर कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्लान है कि ये 40 अलग अलग इंटरप्राइज जो है खड़ा करें, चाहे उनको हम कन्वर्जेंस के थ्रू PMFME के थ्रू हो या PMEGP हो या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, इनको कन्वर्जेंस कर करके उनका अपना इंटरप्राइज खड़ा कर सकें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। And it has to be then replicated because at one place we are doing specific things, but from those specific things we are generalizing a methodology. So I will say this project is very significant because this is going to help government and the coal mining companies in formulating their transition policies, which will be just, equitable and fair.